हमें पहचान क्या हो कि उतना नाम जब हमारे अंदर आ गया, जब नाम जपते जपते रोमांच होने लगे और आंसू बहने लगे और बेविचार के, कोई विचार नहीं पर हमें रोना आ रहा है, तो आप जान लो हृदय निर्मल हो रहा है, अब हमारे अंदर आनंद आने वाला है। जब सर्वत्र अपने प्रभु का ज्ञान हो जाता है और निरंतर बिना किसी कामना के भगवत अखंड स्मृति चलती है, तब वो प्रसन्नता आती है। वो एक बार आती है प्रसन्नता, तो जीवन में कभी जाती नहीं, कोई दुख उस प्रसन्नता को बाधित नहीं कर सकता। इसलिए खूब भजन करो। जब तक हमारे हृदय में मलिनता है, पाप है, कामना है, वासना है, तब तक प्रसन्नता नहीं आती। प्रसन्नता तो ब्रह्मभूत होने पे आती, भगवत साक्षात्कार होने पर। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद् भक्तिं लभते पराम। प्रियालाल का साक्षात्कार प्रेम चक्षु से होता है, हित के नयन निहार प्रेम के नेत्र से उनको। अब ये नेत्र त्रिगुणात्मिका प्रकृति को तो देख सकते हैं जहां तक, लेकिन त्रिगुणातीत तत्व को नहीं देख सकते। मैं इतना करता हूं, कोई भी मेरा साथ नहीं देता, कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, मैं सबके लिए कर रहा हूं और कोई मेरे लिए नहीं, फिर टूट जाओगे। नहीं, टूटना नहीं, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी, कोई नहीं। उस स्थिति में भी मेरा क्या कर्तव्य है, ये मैं पालन करूंगा। मैं तुमसे आकांक्षा नहीं करता, मैं भगवान से प्यार की आकांक्षा करता हूं, उनकी कृपा की आकांक्षा करता हूं, वही आगे निकल पाएगा। हम मेहनत करके लाते हैं, बच्चों का पत्नी का पोषण करते हैं अपने कर्तव्य से। अब अगर वो हमसे प्रतिकूल चलती है तो इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? वो हर समय अपने कर्तव्य को संभाल, और जो अपने कर्तव्य को संभालता है वो भगवान का कृपा पात्र जन हो जाता है। हर समय अपने कर्तव्य को यदि हम देखेंगे तो हम कभी फेल नहीं होंगे, और जब हम दूसरे के कर्तव्य को देखेंगे तो अपने कर्तव्य से हम चित हो जाएंगे। इस पर इस बात को समझ लेना, हम दूसरे के कर्तव्य देखने का अधिकार नहीं रखते, हम अपने कर्तव्य को देखते हैं। जब दूसरा हमारे साथ बहुत विपरीत होता है तब उस समय हम देखते हैं कि इस समय हमारा क्या कर्तव्य होगा। और जिसके मिलने से हमारे हृदय में शीतलता होने लगी, जिनके वचनों से हमारे संशय नष्ट होने लगे, जिनके देखने से ऐसा लगे देखा तो पहली बार हूं लेकिन परिचय बहुत समय से, वो भगवान गुरुदेव के रूप में आकर हमारे सारे संशयों को छिन्न भिन्न करके हमें मोक्ष पद, कैवल्य पद, प्रेम पद प्रदान करते हैं।